नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ राइनो में। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपालों से युवाओं और छात्र समुदाय को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने हेतु किया अनुरोध। कहा, विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय अनुसंधान सुनिश्चित करने और जनजातीय क्षेत्रों के विकास में राज्यपालों की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पासीघाट में आईआरबीएन के 5वीं बटालियन के मुख्यालय का किया उद्घाटन। कहा, सरकार पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और उनके लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के प्रति गंभीर। राज्यभर में नोक्टे जनजाति के सामाजिक धार्मिक त्यौहार चालो लोकू का उल्लास। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। तिरप जिले में आयोजित उत्सव समारोह में खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातुंग हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों से अनुरोध किया है कि युवाओं और छात्र समुदाय को जल संरक्षण की अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने जल से संबंधित परंपरागत तरीकों को प्रचारित करने का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में राज्यपालों के 50वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन में जल जीवन मिशन पर चर्चा होना इस बात का परिचायक है कि सरकार जल संरक्षण और जल प्रबंधन तकनीकों को प्राथमिकता देती है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल और युवा विकास के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग और प्रगतिशील योजनाओं को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि 112 आकांक्षी जिलों और मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले ऐसे जिलों की विकास आवश्यकता पर मिशन की तरह काम करना होगा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विकास की फेर भी की। श्री मोदी ने विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय अनुसंधान सुनिश्चित करने में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आईआरबीएन के 5वीं बटालियन के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृहमंत्री बामंग फेलिक्स, विधायक निनोंग एरिंग, कालिंग मोयोंग, राज्य के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय सहित कई आला अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण और उनके लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस बल का इससे मनोबल बढ़ेगा और वे राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में प्रभावी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे। को वेलफेयर देखना है और पुलिस को स्ट्रेंथनिंग करना जरूरी है, वो सरकार का हमारा टॉप एजेंडा रहेगा। तो उस प्रकार से जो प्रविधान करना पड़ता है अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट की ओर से, अभी डीजीपी साहब ने भी कहा इस बार आप लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा सपोर्ट सरकार की ओर से दिया है आप लोगों का स्ट्रेंथनिंग के लिए, वो मॉडर्नाइजेशन के रूप में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाला दिनों में अभी जितने भी हमारा जो बैटालियन है, चाहे APBBN हो या IRBN के जितने भी जो हेडक्वार्टर्स हैं, सब इसी तरह परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विद ऑल फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज के साथ में आने वाला दिनों में हम लोग बनाएंगे। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में जब भी मैं टूर जाता हूँ तो खास करके अपना जो जवान जो लोग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है उनको बैठने का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक सरकार की ओर से दे नहीं पाया, तो होम मिनिस्टर साहब से मेरा ऑलरेडी चर्चा चला है। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि लोग संविधान की रक्षा और उसकी मजबूती के लिए काम करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि 70वां संविधान दिवस डॉ राजेंद्र प्रसाद, डॉ भीमराव अम्बेडकर सहित देश की महान विभूतियों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की याद दिलाता है। गौरतलब है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया था और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया था। कमिटमेंट होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी नागरिक, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को अनुपालन करने के लिए उनका कमिटमेंट होना चाहिए।
और मैं जो ख़ास तौर से अपने नागरिकों को एक संदेश देना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक हृदय है, और जब पूरे नागरिक पूरे देश में अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ रियलाइज़ करेंगे तभी भारत का विकास होगा और तभी सद्भाव होगा, शांति होगी और डेवलपमेंट होगा। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ पूरे अपने प्रदेश के नागरिकों को 70 ईयर्स के मौके पर पूरे नागरिक अपने प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और जो शपथ दिलाई जा रही है संविधान के प्रति उसको शपथ को ग्रहण करें और उसका अनुपालन करें। 70वें संविधान दिवस कार्यक्रम के तहत आज अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा परिसर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें अरुणाचल लॉ अकादमी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, राजीव गांधी विश्वविद्यालय और देरा नातुंग कॉलेज के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कल संविधान दिवस के अवसर पर राज्य विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। This article can be changed. It can be changed. My one of the fellow opposition has said that. So why don't legislative assembly didn't sign the bill which appropriate the article 370? Here 60 years of article 370 and more than 70,000 military die in this because of this article. It is justiciable. Article 370 is not a political issue. It is a national issue. Filled by many leaders in the past, but प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत के लिए असम के लोगों की प्रशंसा की है। मन की बात कार्यक्रम में कल अपना विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति, पर्यावरण, जल, जमीन और वन को बहुत अहमियत दी। उन्होंने नदियों के महत्व को समझा और समाज में नदियों के प्रति सकारात्मक भाव पैदा करने की कोशिश की। प्रकृति को, पर्यावरण को, जल को, जमीन को, जंगल को बहुत अहमियत दी। पुष्करम यह ऐसा उत्सव है जिसमें नदी का महात्म्य, नदी का गौरव, जीवन में नदी की महत्ता ये सहज रूप से उजागर होती है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को, पर्यावरण को, जल को, जमीन को, जंगल को बहुत अहमियत दी। उन्होंने नदियों के महत्व को समझा और समाज को नदियों के प्रति सकारात्मक भाव कैसा पैदा हो, एक संस्कार कैसे बने, नदी के साथ संस्कृति की धारा, नदी के साथ संस्कार की धारा, नदी के साथ समाज को जोड़ने का प्रयास ये निरंतर चलता रहा। और मजेदार बात यह है कि समाज नदियों से भी जुड़ा और आपस में भी जुड़ा। पिछले साल तमिलनाडु के तामीर बरनी नदी पर पुष्करम हुआ था, इस वर्ष यह ब्रह्मपुत्र नदी पर आयोजित हुआ और आने वाले साल तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में आयोजित होगा। एक तरह से आप इन 12 स्थानों की यात्रा एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ मैं असम के लोगों की गर्मजोशी और उनके आतिथ्य की सराहना करना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे देश से आए तीर्थयात्रियों का बहुत सुंदर सत्कार किया। आयोजकों ने स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखा, प्लास्टिक फ्री जोन सुनिश्चित किए, जगह जगह बायो टॉयलेट्स की भी व्यवस्था की। मुझे उम्मीद है कि नदियों के प्रति इस प्रकार का भाव जगाने का ये हजारों साल पुराना हमारा उत्सव भावी पीढ़ी को भी जोड़े। वायुसेना कमांडर सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में वायुसेना के शीर्ष कमांडर हिस्सा ले रहे हैं और इसमें वायुसेना से संबंधित परिचालन, रखरखाव और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा होगी।
अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां बागवानी और पशुपालन के लिए अनुकूल है। वर्तमान समय में लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता से बाजार में अंडे की मांग बढ़ रही है। राज्य के कई इलाकों में शिक्षित युवा इस क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखकर कम खर्च में मुर्गी पालन कर उच्च शिक्षा के खर्च को वहन करने के अलावा अपने परिवार को भी सहयोग कर रहे हैं। राज्य में देशी मुर्गी के अंडे का अच्छा मूल्य मिलता है और घर से ही बिक जाता है, जिससे युवाओं को मुर्गी पालन के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। एक का मार्केट बनाना चाहते हैं। वैसे तो अगर हम ये मीट बेचेंगे तो कम प्राइस मिलेगी इसका ना, तो लेकिन अगर हम एक बेचेंगे तो आई विल बी गेटिंग मोर। सो मेरा फोकस है कि एक प्रोडक्शन लोकल, एक बाजार में लोकल एक का डिमांड है, बदन सप्लाई नहीं है बाजार का, तो मिक्स है बदन। ये लोकल का तो ऐसे इट्स 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ मार्केट में, सो इट्स अ गुड इनकम। राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान दिरांग क्षेत्र में याक पालक किसानों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है ताकि याक की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ सतत आय के साधन के रूप में किसानों को प्रोत्साहन मिल सके। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष याक मेले का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों को याक से बनने वाले विभिन्न उत्पादों और उन्नत याक पालन के बारे में जागरूक करना है। संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन के अधीन NRC याक का मुख्य उद्देश्य याक संरक्षण और इससे जुड़े किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। एनुअल इवेंट याक मेला में हम कोशिश करते हैं कि जितना भी एक एरिया में रोकबाज है याक फार्मर्स है, उन लोग का याक जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग का जो नोक्ते जनजाति का सामाजिक धार्मिक त्यौहार चालो लोको आज राज्य भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल डॉ बी.डी. मिश्रा ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि तिरप जिले में निवास करने वाले नोक्ते जनजाति का ये त्यौहार राज्य में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाए जाने वाले ये त्यौहार समृद्ध जनजातीय परंपरा को भी दर्शाता है। तिरप जिले में आयोजित चालो लोको उत्सव समारोह में राज्य के खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातुंग ने हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए स्थानीय कला और संस्कृति के साथ जुड़े रहने की अपील की। अरुणाचल इतना बड़ा प्रदेश है कि अपना यहाँ अनेक कल्चर है, अनेक भाषा है, पल्स अलग अलग है हर समुदाय का। तो हम सबको बिंग विधायक और नेता के नाते हम सबको जानना होगा। बहुत राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले नोक्ते जनजाति के लोगों ने आज ईटानगर में चालो लोको त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाया। पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित सभी आयु वर्ग के लोगों ने एक दूसरे को चालो लोको की शुभकामनाएं दी और लोक नृत्य में हिस्सा लिया। मणिपुर में सप्ताह भर चलने वाला संगाय उत्सव शुरू हो गया है। राज्य पर्यटन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष इस उत्सव का आयोजन करता है। उत्सव का औपचारिक उद्घाटन समारोह कल शाम इम्फाल में हप्ता कांगजेबुंग में आयोजित किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समारोह में मुख्य अतिथि थे। समारोह में राज्य के कई मंत्री और विदेश के गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। ये उत्सव राज्य के विभिन्न भागों में आयोजित किया जाएगा। इसके तहत राज्य के विभिन्न समुदायों के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, लोक नृत्य और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।